The camera, where are you going? Where are you going? निकाल दो तो. कहाँ जा रहे हो? मंदी कहाँ जा रहा है? बताओ. Where are you going, मंदी? हाँ. क्या कर रहे हो? खोले के यहां से गेट खुला है, इधर से यहां से गेट है वो. ये देखो जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी इधर आओ, बोल रहा हूं. मंदी इधर आओ. नो. हाँ गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ, सीधा कैमरा. मंदी ड्राइविंग द कार. मंदी ड्राइविंग द कार. हॉर्न करो, बीप बीप करो, हॉर्न करो, हॉर्न हॉर्न बजाओ. बीप बीप कर दी मंदी ने. और ड्राइविंग कैसे करते हैं? कार को ड्राइव करो. ड्राइव द कार. कैसे ड्राइव करोगे बताओ? स्टेरिंग. अच्छा. स्टेरिंग कैसे चलाते हैं बताओ? यूं करके जी. मंथी इज ड्राइविंग द कार. गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम इन अवर न्यू व्लॉग. दोस्तों इस वक्त शाम के 6:20 हुए हैं और हमारे साथ ये अजीत भाई हैं जो कि हमें कम से कम 20 साल से जानते हैं. तो इनके साथ ही दोस्तों ज्यादातर हम बहुत सारे टूर करते रहते हैं. इनके जो ये एक्चुअली क्या गाड़ी चलाते हैं, बहुत साल से चलाते हैं, तो इनके साथ ही हम टूर करते हैं. तो अभी इनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने नई गाड़ी ली. अभी हम ये नई गाड़ी में जा रहे हैं. क्या है? डिजायर स्विफ्ट. स्विफ्ट डिजायर क्या है? टूर. स्विफ्ट डिजायर. इन्होंने टूर गाड़ी ली है इनके रिलेटिव ने. तो अभी हम इनके रिलेटिव के वहां पर जा रहे हैं. कहां पर, कौन सी जगह जाएंगे अपने? वैष्णो देवी, खोड़ियार. वैष्णो देवी यहां पर एक जगह है, वैष्णो देवी सर्कल के पास खोड़ियार सुटा सोसाइटी, वहां जाएंगे. इनका जो रिश्तेदार है दोस्तों उसकी मैरिज की प्रॉब्लम है, तो वो मैरिज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं जा रहा हूँ. ऑलरेडी मैं कंसल्टिंग कर चुका हूँ, बस हम उसको थोड़ा रिंग वगैरह देने जा रहे हैं और उनसे थोड़ा मिलेंगे उस लड़के से. तो कहने का मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ. लाइफ में बहुत सारे लोग हैं ना, सफलता चाहते हैं कि उनको सफलता प्राप्त हो, मगर दोस्तों ज्यादातर लोगों को सफलता इसने नहीं मिलती क्योंकि एक ही प्रॉब्लम होता है ज्यादातर लोगों में. देखो चाहना और दोस्तों करने में बहुत फर्क है. तो जब आपकी चाहत है एक्शन में जब आती है, यानी कि जब आप उसमें कर्म योग करते हो, क्योंकि भगवद गीता के जो 18 अध्याय है उनका जो समरी है, उसका जो सारांश है, वो एक ही चीज है, कर्म योग. आप बिना कर्म योग के कोई भी जीवन में प्राप्ति नहीं कर सकते. तो आपको, आप जो भी पाना चाहते हो तो उसे लिखिए पक्का, क्योंकि जिन लोगों के पास लक्ष्य लिखे होते हैं, ऐसा रिसर्च बोलता है कि वही लोग सपने को या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं. तो आप अपने लक्ष्य को लिखिए और उसके बाद एक्शन करिए, क्योंकि एक्शन के बिना दोस्तों सफलता नहीं मिलती. तो मैं भी लाइफ में बहुत सारे एक्शन लेते रहता हूँ. कभी कभी ऐसा होता है कि आलस सर में बैठ जाता है, तो मेरा एक ट्रिगर होता है उस आलस से निकलने के लिए. स्वामी विवेकानंद का एक महान विचार जो है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक डटे रहो. उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक डटे रहो, ये विचार स्वामी विवेकानंद के मेरे अंदर वापिस से वो आग और वो ऊर्जा भर देते हैं जो मुझे एक्शन लेने में मजबूर कर देती है. तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं खोड़ियार सोसाइटी, फिर हम वहां पर मिलेंगे. और ये आप देख सकते हैं, ये मेरा भांजा भी मेरे साथ जा रहा है, मंतव्य, और ये बहुत मजे कर रहा है अभी. और ये अजीत भाई है, ये इनकी पीछे वाइफ बैठी हुई है. तो अभी हम चारों जने जा रहे हैं. और अभी आई थिंक ये कौन सा रोड है? अडालज वाले रोड से हम जा रहे हैं. तो थोड़ी देर के बाद आपको मिलते हैं हम खोड़ियार सोसाइटी में. ये देखिए सूरज ढल रहा है और ये है अडालज वाला रोड. यहाँ से हम सीधे सीधे जाएंगे खोड़ियार सोसाइटी. कैसी आ रहा है? आ रही है. हाउ यू आर फीलिंग नाउ?
फीलिंग को। मंथ इज गोइंग इन अ कार एंड एंजॉयिंग द राइड, एंजॉयिंग द कार। पीप पीप करूं, पीप पीप कर दूं। चौपाई दोस्तों हनुमान चालीसा में है, तुम रक्षक काहू को डरना। तो ये जो चौपाई है ये भी आप बहुत सारी कार के पीछे देखते होंगे, आप भी चाहे तो ये चौपाई अपनी कार के पीछे लगा सकते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी, जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान जी ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए अपने जीवन काल में, राम जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए और भी बहुत सारे लोगों के लिए। और हनुमान जी चिरंजीव देवता हैं। ये देखिए आगे जो कार चल रही है उसमें भी हनुमान जी लगा रखे हैं। तो आप भी हनुमान जी की मूर्ति या मारुति यंत्र या पीछे तुम रक्षक काहू को डरना या ऐसे हनुमान जी अपनी कार में लगा सकते हैं। और ये हम जा रहे हैं, देखिए रोड कितनी ज़बरदस्त है। गुजरात में खास बात है दोस्तों, यहाँ की रोडें बहुत अच्छी है। ये ना मतलब काम की चीज़ नहीं है नॉनवेज, समझो। नॉनवेज खाने से क्या है कि जैसे आप मान लो क्या खाते हो, मटन खाते हो कि चिकन खाते हो? चिकन। चिकन खाते हो, ठीक है। आपने चिकन खाया तो आपने मतलब किसी के बच्चे को मारा और फिर खाया। अगर मैं बोलता आपके बच्चे को मार के कोई खाए तो आपको अच्छा लगेगा? तो यानी कि आप मरी हुई वस्तु को अंदर ले रहे हो अपने, यानी कि अंदर खून में भी वही जा रही है। तो मरी हुई वस्तु खून में जाएगी तो क्या होगा, हमारे जीवन भी मरीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवन में जोश नहीं रहेगा, जीवन में मतलब नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, ऐसा सब मजा नहीं आएगा। और आपकी कुलदेवी कौन सी है? तो हरसिद्धि माँ तो चौकी माता जी है कि नहीं है कि गलत बोल रहा हूँ? तो माता जी बिल्कुल पवित्र है, उनको तो ये सब चलता नहीं। तो उनका अगर भक्त अगर ये सब चीजें खाएगा तो उसको वैसी माता जी का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, एकदम सादा जीवन जियो मस्त मेरी तरह। चोकरा भी नहीं बोलता है ना? चोकरा नहीं खाता। चोकरा नहीं खाता तो बढ़िया है। खाते छोकरे लोग चिकन दाना विकन दाना खाते है हमारे ठाकुरों में तो। अरे बात सुन लो, देखो हाँ मेरी बात सुनो, ठाकुर है ना हमारे ठाकुर में, हमारे ठाकुर कास्ट में ऐसा नहीं कहे बस नहीं खाता होगा। ये लोग भी सब खाते हैं चिकन दाना ये वो। तो सब लोग ठाकुर लोग दुखी है, एक बात समझ लो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी ठाकुर सुखी नहीं। देखो मैं बहुत ठाकुरों का काम कर चुका हूँ, अरे कोई भी सुखी नहीं। देखो कोई बच्चा किसी को नहीं होता है उससे दुखी है, कोई बीवी से दुखी है, कोई पति से दुखी है, किसी का बेटे का इतना दारुड़िया है कि घर में मतलब पैसा कमाता है मगर पैसा बचता नहीं, घर में कंकास रहता है, अशांति रहती है, सब दुखी है जितने भी ठाकुर है। तो मैं वही बता रहा हूँ आप बंद, अरे हो जाएगा छोकरे का तो टेंशन मत लो, उसका साथी का हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेने की आपको। उसका नाम क्या छोकरे का, मैं भूल गया नाम आपका है, आकाश। तो आज उस टाइम नहीं है ना, 14 तारीख थी, 14 तारीख बची यानी सगाई यानी शादी थी, जैसे 14 तारीख के बाद हो जाएगी उसकी, टेंशन मत लो उसका आप। नहीं नहीं तो छोकरे को ना एक बार मेरे से मिला दो आप। मंदी क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो। यस आर यू गोइंग टेल मी हु इज दिस इन द कैमरा? Where are you going? Manti is going. Manti is going in a. Manti is going in a. Car. Yes, very good. AC is on. And you are enjoying the car. Car. Right. Yes. Very good. What is your name? Mantu. Mantu car mein baitha. Baitha. Very good. And what is your mama's name? What is your mama's name? Tell me the mama name. Mama name batao. Sunil. Yes, very good. And what is your mother's Sunil name? Mama. Sunil mama. Very good. What is your mother's name? Kanchan. Kanchan. What is your father's name? Jagdish. Wow. What is your nani's name? Deepa.
हैं खोड़ियार सोसाइटी के अंदर हम जा रहे हैं। यहाँ पर ही हम ये जो लड़का है विशाल उसको अंगूठी देंगे और उसकी शादी की समस्या का समाधान करेंगे। क्या कर रहे हैं मंदी, क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं। इंग्लिश बोलता है ना? वही तो बात, तो मैं वही बता रहा हूँ। देखो पैसे से सुख नहीं मिलता है, जब अकल अच्छी होनी चाहिए। अगर अकल सही होगा तो वो क्या सही काम करेगा। तो इसलिए क्या ठाकुर लोग दुखी इसलिए क्योंकि उनकी आदत है ना खराब है। खराब आदत आदमी को क्या करती है, डुबा देती है। ये दोस्तों नई कार है, अभी हम यहाँ से रिटर्न निकल रहे हैं अपने घर की ओर। सभी को बाइक कर दिया है और दोस्तों ये खोड़ियार सोसाइटी से हम बाहर की ओर निकल रहे हैं और ये है रात का कुछ नज़ारा। 7:30 हुआ है और हम अब निकलेंगे और कुछ देर के बाद पहुंच जाएंगे अपने घर। See you soon. Bye. Say see you soon.